उपस्थित यहां के इंचार्ज सेक्रेटरी श्री रमेश चनिताला जी, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, हमारे कैंडिडेट शोभाताई बच्चन जी और हमारे एमएलए और जो युवा नेता है कुणाल पटेल जी, श्याम सानेर जी, चंद्रकांत हंडूरे जी, रामकृष्ण पाटिल जी, आशीष दुआ, वजायत मिर्जा, शरद आहिर, अनिल गोटे, अनीस अहमद और शिवसेना, एनसीपी, आप, समाजवादी और पार्टी के सभी उपस्थित नेतागण और इस मंच पर बैठे हुए मेरे सारे कार्यकर्ता दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, किसान बंधुओं और हमारे सभी जनता इस सभा में है, उन सबको मैं हार्दिक मेरे ओर से स्वागत करता हूं। और उसी तरह मीडिया के मेरे दोस्त भी हैं और नौजवान साथी भी इसमें हैं। ये चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है। ये चुनाव कोई छोटी मोटी चुनाव नहीं है। ये ना म्युनिसिपैलिटी की चुनाव है, ना जिला पंचायत की, ना एमएलए की। ये चुनाव देश के भविष्य को बनाने वाली चुनाव है और देश के भविष्य को बनाने के लिए हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसको हिफाजत करने का अपना काम है। लोकतंत्र को टिकाना ये अपना काम है। अगर लोकतंत्र इस देश में नहीं, संविधान इस देश में नहीं, तो आपको कोई भी पूछेगा नहीं। अगर आज के वक्त तुम्हारे घर घर को हर पार्टी के लोग जब आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि आपके पास वोटिंग का अधिकार है और वोटिंग ये सत्ता लाके देती है। सत्ता से हम अपने कार्यक्रम को और अपने पॉलिसी को अपने अनुष्ठान करते हैं। इसीलिए ये चुनाव बड़ा महत्व का है। तो इसलिए ये महाराष्ट्र की धरती, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, ऐसे तमाम नेता, दिग्गज नेता इस धरती पे पैदा हुए और गरीब लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पर बिताया। तो मैं उन सबको नमन करता हूँ जिन्होंने यहाँ पैदा होकर सारे दुनिया को, सारे देश को जो मार्गदर्शन दिलाया, ये सबसे बड़ी बात है। और वही काम आपको करना है। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो समझो कि आप आगे पीढ़ी को गुलामगिरी में ढकल रहे हैं। वो जिस पहले जैसे, आजादी के पहले जैसे दलित, आदिवासी, गरीब, ये सारे लोग जैसा एक गुलामों के जैसे रहते थे, वैसी ही परिस्थिति फिर आएगी अगर आप मोदी को और हमारे शाह को अगर वोट देंगे तो पूरा स्थिति
गुलामों के जैसे हमारी बन जाएगी। यह आपको ध्यान में रखना है। आप किसी के लिए वोट नहीं दे रहे, ये वोट अपने आप के लिए दे रहे, अपने ये अपने उत्थान अपने पीढ़ी के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे और किसी के लिए नहीं है। कोई नेता आता है जाता है, लेकिन संविधान अगर आप बच गया तो ही हम बचेंगे, तो ही हम फिर राज करेंगे, फिर गरीबों का राज रहेगा। मैं सुना जब हमारी पार्टी स्प्लिट हो गई थी 1969 में, पहली मीटिंग इंदिरा गांधी जी की नंदुरबार में हुआ था, तो लाखों लोग भिड़ गए थे। और जब नंदुरबार में इंदिरा गांधी जी पैर रखी, तब पूरा हिंदुस्तान हिल गया और आपके वजह से हमारी पार्टी केंद्र में सत्ता में आई। ऐसा ही नंदुरबार धुले जिला है, तो एक कांग्रेस का गढ़ है, इसको हिफाजत आप पार्टी को भी करना, सबसे ज्यादा हिफाजत लोकतंत्र का, जमहूरियत का, प्रजातंत्र का, संविधान का करना है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी अपने फायदे के लिए नहीं है। मैं भी 53 साल से पॉलिटिक्स में हूं, मैं MLA भी हूं, था MP भी था, MLC, एक इलेक्शन मेरे जीवन में नहीं हारा था, एक ही इलेक्शन जो 2019 का मैंने हारा। 53 साल से मैं जीतते आ रहा हूं, वो सिर्फ कांग्रेस के नाम से है। एक ही पार्टी में मैं हमेशा रहा, कभी पार्टी छोड़ के किसी और गया नहीं, किसी और देखा भी नहीं। इसीलिए मैं आपसे यही आपको सलाह देने आया हूं, ये लोकतंत्र की बात इसीलिए कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा अच्छा एक मौका है जो हमारे संविधान को बचाने का। बीजेपी और RSS के लोग संविधान को खत्म करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 में बीजेपी RSS मोदी ये क्या चाहते हैं? इस देश में भारी बहुमत अगर आएगा तो संविधान को हम बदलेंगे। ये बात सबसे पहले 2015 में उन्होंने ही कहा था, उनके लोगों ने कहा था, RSS के मुकेश मोहन भागवत ने कहा था, उनके MPs ने कहा था। और इधर उधर हमारे मोदी जी तो ये बोलते हैं मुझे 400 पार करना है। अरे 400 पार अगर आप अकेले करते हैं वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे और हमारे मालिक कौन है? जनता है, जनता तय करेगी, तुम नहीं। 400 पार मैं करूंगा, मोदी की गारंटी, 56 इंच की छाती। अरे भाई हर एक के पास छाती है, किसकी 54, 56, 52, 45 होती है। कौन टेप लेके तेरा माप के हम बोले हैं तेरी 56 इंच आए? किसी टेलर ने आया था और वो सुनाया तुमको? लेकिन मोदी की आदत है झूठ बोलना, और वो हमेशा झूठ बोलते आते हैं। अगर हम कुछ कहें तो चंद लोग ये कहते हैं भाई खड़गे साहब बार बार, राहुल जी बार बार मोदी को झूठा बोलते हैं। अब झूठा नहीं बोले तो क्या करना चाहिए आप ही बताएं। एक है, पहले इलेक्शन में उन्होंने क्या कहा,
पहले इलेक्शन में तो उन्होंने कहा मैं अगर सत्ता में आऊंगा विदेश में जो काला धन है जो कांग्रेस वालों ने रखा है जो अमीरों ने रखा है वो सब मैं देश में लाऊंगा, देश में लाकर सबको 15-15 लाख दूंगा। ये कहा या नहीं? नहीं कहा? कहा तो मिला? तो कौन झूठे हैं? मोदी झूठे हैं क्या हम कांग्रेस वाले झूठे हैं? मोदी झूठा हो सकता है? अरे वो देश का प्रधानमंत्री है, हरिश्चंद्र का बेटा है, तुम उसको ये कर रहे हो झूठ बोलता? ठीक है, एक झूठ बोल दिए। दूसरा उन्होंने कहा एक साल के बाद मेरे नौजवान साथियों, मेरे नवा युवा मित्रों, आप सबको मैं हर साल 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। बोला या नहीं बोला? तो मोदी झूठ है क्या सच है? हा, झूठ है, ये भी झूठ हो गया। और मोदी ने यह भी कहा, क्या कहा? मैं किसानों की आमदनी बढ़ाऊंगा, तुम्हारी इनकम डबल करके दूंगा। मैं एक किसान के एक उनके लिए अपना आस्था रखता हूं कि वो आगे बढ़े, तो उन्होंने डबल इनकम की बात की। मिला किसानों को डबल इनकम? अरे उनका कास्त करने का जो कीमत बढ़ गया डबल, लेकिन इनकम डबल नहीं हुई, इसीलिए उसको हकालना है, इसीलिए उसको निकालना है। तुम किसान लोग अगर नहीं ठहरेंगे तुम्हारे लिए ठहरना है। ये झूठ बोल के चले जाते। शायद वो कल यहां आए थे ना, तो मोदी जी क्या बोले यहां? मेरे किसान भाइयों और बहनों को देखकर मुझे दुख होता है, मैं यहां का प्याज खा के बड़ा हो गया हूं। बोले नहीं? अरे सच बोलो भाई तुम। मैं यहां का प्याज खा के बचपन में इतना बड़ा हुआ, और यहां का कपास का जो धागा है उससे जो कपड़ा बनता है वो कपड़ा पहन के मैं इतना बड़ा हूं। अरे उसके शरीर पे देखो, जितने भी रोज एक नया कपड़ा लाता है, वो धुले के कपास का कपड़ा नहीं, नंदुरबार का नहीं, वो पूरा इजिप्शियन फॉरेन के कपड़े उसके शरीर पे है। और तुम्हारे को ऐसा बोलता है, मैं तुम्हारी प्याज खाया, तुम्हारे कपड़े पहन रहा हूं, तुम्हारे कपास के। इतना झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। इसीलिए मैं उसको हमेशा कहता हूं उनको कि मोदी जी ये झूठों के सरदार है, ये झूठों के सरदार है, आप इनको मत मानो। एक बार तो उन्होंने कहा, मैं तो मेरी मां को भी देखा जब चूल्हे के सामने बैठती थी, जब लकड़ी चूल्हे में लगाती थी, जब वो हमारे पास क्या बोलते हैं वो इसके गोबर का, हाँ वो गोबरी का ये हाँ गौरी अंदर लगा जब डालती थी, धुआं उड़ता था, आंखों में से पानी आती थी, वो देखकर मैं परेशान था। इसीलिए मैं LPG फ्री दे रहा हूं। दिया 500 रुपए का LPG सिलेंडर, अब उसने 1100-1100 रुपए कर दिया। अरे 1200, तुम पे और भी मेहरबानी हो गए हो, और ज्यादा करा 1200।
देख कितना क्रूर है, आप देखिए, तुम तो गुस्से में रहना चाहिए हमेशा। तो ये 1200 रुपए हो गया, ये किसने किया? मोदी ने। और लोगों को ये कहता है मैं, मेरा साथ दो, देश का विकास होगा। कहाँ होगा वही विकास? जो विकास करने वाले लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी से हैं, किसान हैं, उनको तो तुम ठोक ठोक करके मार रहे हो। फर्टिलाइजर की जीएसटी तुमने बढ़ाई, औषध का कीमत बढ़ाया, ट्रैक्टर के टायर के दाम बढ़ाए और ट्रैक्टर भी महंगा कर दिए। जो जो चीजें किसानों के लिए होना चाहिए वो चीजें उन्होंने महंगे कर दिए। पहला कोई ऐसा टैक्स नहीं था, लेकिन मोदी जी ने ये भी टैक्स गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर लगाया। और फिर ऊपर से अगर मोदी है तो मुमकिन है, भाई ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है टैक्स बढ़ाने का। आपने कभी देश के बारे में सोचा है? बात तो बहुत करते हैं, हम देश के लिए सोचते हैं। कांग्रेस वाले 70 साल में क्या किए? अरे मेरे भाई, अगर हम 70 साल में कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। हमने देश को सुरक्षित रखा, पाकिस्तान को तोड़ दिया, बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया, ये हमारा काम है। तुम क्या है, पहाड़ खोद के चूहा निकालते हो? ये देखो मैं शिकार कर दिया। पहाड़ खोदना, चूहा निकालना और बोलना ये है मोदी। अरे ऐसे लोगों से थोड़ी देश चलता है। ये इसके लिए इंदिरा गांधी जैसी नेता होना चाहिए, देश को बढ़ावा मिलने के लिए जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता होना चाहिए, देश को संविधान लिखने वाला डॉक्टर अंबेडकर होना चाहिए। और आप कुछ भी नहीं करे फिर भी बोलते हो देश के लिए हमने बहुत कुछ किया। और बार बार ये भी कहते हैं देश के लिए तो आजादी नहीं दिलाए, लेकिन उन्हें बोलते हैं हमको देश को मजबूत करना है। मजबूत कहां कर रहे भाई? हर लोगों को सता रहे, हर लीडर को सता रहे। 800 लीडर्स को उन्होंने ईडी के केस डालकर, उन्होंने आईटी के केस डालकर अंदर रखा है। कितने? 800। और जब वो शरण होते हैं, जैसा कि लंबा शरण करे, कौन हमारे एक चीफ मिनिस्टर थे ना, या चीफ मिनिस्टर हमारे पार्टी से अशोक चौहान और हमारे अजीत पवार, शिंदे, ये सब ऐसा साष्टांग नमस्कार करे उसके सामने, लोगों को शर्म आती। अरे महाराष्ट्र ये मर्दों का स्टेट है, अरे मला मराठी येते पण फार चुका होणे, फार चुका होणे आणि उद्या मोदी येऊन काहीतरी बोलू नये, म्हणून त्यासाठी मी जपून बोलतोय। मी त्याच्यासारखं खोटं बोलत नाही आणि रेटूनही बोलत नाही। देखिए उनका गरीबों के बारे में, 30 लाख वैकेंसीज सरकार में है, 30 लाख वैकेंसीज केंद्र सरकार में आए, 30 लाख मध्ये तो एक ही भर्ती केला नहीं। कारण काय? कि
मी दलित लोकांना 50% जाते आहे, दुसऱ्यांना 50% जाते आहे, म्हणून ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबर डेली वेजेस याच्यामध्ये घेऊन त्यांना जसंच्या तसंच त्यांनी ठेवायला प्रयत्न केलाय. हे फार मुख्य आहे. तुम्हाला जेव्हा सशक्त करू शकत नाही, तुम्हाला मजबूत करत नाही, तर अशा माणसाला घेऊन काय करायचं आहे? देशासाठी तरी काँग्रेसनी लढलं. कोण लढलं? मग कशाला बीजेपीला वोट घालता हो? कशा पवारला वोट घालता? पवार म्हणजे शरद पवार नव्हे, अजित पवार, शिंदे, हे सगळं त्याच्या पाठीमागे लागलेत. त्यांना वोट देता तुम्ही? ज्या लोकांनी, काँग्रेसच्या लोकांनी फाशीवर गेले, अनेक लोक शाळा सोडली, कॉलेज सोडलं, घर सोडलं, सगळं सोडून महात्मा गांधी बरोबर भुजाला भुजा लावून त्यांनी ह्या देशाला स्वातंत्र्य आणून दिलंय, हे आमचं देण आहे. हीच आपली देण देशाला आहे. तुम्ही काय दिला? भांडण. उठलं की हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान. ते म शब्द फार त्यांना आवडतंय. कुणाला? मोदींना. उठला सुटला कोणत्याही भाषण मध्ये तुम्ही त्यांनी अगोदर बोलतोय मुघल, मुघल से मुसलमान. मग मुसलमान गेला तर दुसरा सांगतो त्यांनी मंगळसूत्र. आणि जितके त्याला सांगायचं आहे ते सगळे हिंदू मुसलमान मध्ये वाटणार, डिवाइड करणार, हेच बोलतोय तो. देशाबद्दल काही बोलतच नाही. तू काय केलास हे फार महत्वाचं आहे. तुम्ही जे केला ते सांगा ना. तुमच्या वोट जे मागायचं आहे, तुम्ही वोट जे विचारायचं आहे, तुमच्या कामावर विचारा. मी हे काम केलो त्याच्यासाठी वोट द्या म्हणा. उठला सुटला की काहीतरी गोष्ट करतोय. आम्ही कितीतरी मोठे मोठे इंजिनिअरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयटी, बीटी आणि पब्लिक सेक्टर्स हे सगळं केलं आणि भारताला सुंदर करून आम्ही मजबूत करून आज लोकतंत्र मध्ये आम्ही जिवंत आहोत. हे काही केलं नाही बिचारा, पण सगळीकडे सांगतोय मी हे केलो ते केलो. आणखीन एक सांगत होतो अगोदर. काय सांगत होता? मी अहमदाबाद पासून मुंबई पर्यंत बुलेट ट्रेन आणतो. बुलेट ट्रेन कुठं आहे बा तुझी बुलेट ट्रेन? 1,00,000 रुपये जपान मधून खर्च घेऊन बुलेट ट्रेन आणणारे होते. कुठून? अहमदाबादहून मुंबईला. कुठे गेलं ते पैसे? कुठं आहे? आता 10 वर्ष झाले. 10 वर्षाच्या पूर्वी तुम्ही सांगितलं होता. अहो लोकांना किती तुम्ही मूर्ख करता. लोक आता हुशार झालेले आहेत. काही दिवसासाठी तुम्ही मूर्ख करू शकता, काही लोकांना तुम्ही अनिश्चित काळपर्यंत करू शकता, पण सर्वांना सर्व काळी मूर्ख करून ठेवता येत नाही हे तुम्ही समजून घ्या. आमचे लोक आता फार हुशार झालेत. ह्या वेळेला तरी त्यांना धडा शिकवतील, त्यांना पाठ शिकवतील. आणि मोदीजी आता 400 पार म्हणते, ह्याचं 40 सुद्धा पार होणार नाही. आणि आम्हाला म्हणतो 50 येत नाही तुमचे अपोजिशन लीडर. काय तुम्ही भविष्य बघता? भविष्य बघा तुम्हाला येत आहे. आम्ही म्हणतो की बीजेपीला रोखण्यासाठी, बीजेपीला आणि मोदीला सत्तेवर येण्यासाठी जे रोक पाहिजे ते जरूर आम्ही रोखणार आहोत.
आणि आमची बहुमत जरूर येईल। काय गठबंधन हे जे आहे